गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ अग्नि। सुबह के बज रहे करीबन 6:30 और देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ अग्नि। सर्दी पड़ रही है, सुबह सुबह मुझे मेरा एग्जाम है तो मुझे एग्जाम देने भी जाना है। तरफ कोहरा ही कोहरा देख लीजिए, वैसा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, हल्का हल्का ये नहीं, हल्का हल्का कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख सकते हैं मेरे बार कैसे हैं। मतलब अभी मैं सो के जगा हूँ, फ्रेश होके आया हूँ। तो भाई साहब अभी ना मैं पी रहा हूँ चाय और करीबन अब बज चुके हैं करीबन 7:30 और मुझे निकलना है यहाँ से 8 बजे सीख, क्योंकि 9 बजे से मेरा एग्जाम है तो 1 घंटे पहले जाना जरूरी है। तो भाई मैं ना, मेरे कुछ तकलीफ है तो मैं गोली लेकर जाऊंगा। तो भाई सुबह सुबह आप जानते हो मैं खाली पेट तो गोली लेना सही नहीं है। तो भाई मैंने यहाँ डबल रोटी से, ये है डबल रोटी, इससे खाऊंगा मैं चाय, सॉरी चाय पीऊंगा, इससे इसे खाऊंगा चाय में डुबो डुबो के। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो पूरा। तो अभी मैं फ्रेश भी हूँगा, मतलब फ्रेश तो हो गया, मतलब मुँह फों वगैरह दूंगा और ये बाल भी काटूंगा, सेट करूंगा। तो दोस्तों फाइनली चाय आ गई है और चाय के साथ खाऊंगा मैं डबल रोटी। और देखिए भाई, मैं ना सुबह सुबह भर के गिलास चाय पीता हूँ, चाय में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, भर के गिलास चाय पीता हूँ आराम से। ये खा के जाऊँगा, शाम तक जाएगी, शाम तक वाली खाना मत। ये गिलास में आई नहीं थी। तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ फ्री, अभी मैं पहन लेता हूँ कपड़े, देख सकते हैं मैंने बाहर वगैरह भी नहीं काटे, तो अभी आया 2 मिनट में, तब तक के लिए हो गया रेडी। तो दोस्तों अभी मैं हो गया और रेडी, अभी मैं चलता हूँ स्कूल की तरफ। तो दोस्तों मैं अभी भाई साहब बाइक पे हूँ और आवाज कम सुनाई पड़ रही होगी, आप तो ठीक सुनाई पड़ रही होगी, मैं बाइक पे हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी कॉलेज की तरफ। It's emerging.
दोस्तों मैं हूँ फाइनली अभी कॉलेज में, नो मास्क नो एंट्री, तो इसलिए मास्क जरूरी है भाई साहब। हेलो दोस्तों, फाइनली पेपर देके आ चुका हूँ मैं दोस्तों घर पे, और भाई साहब मैं सुबह का गया 8 बजे का, तो अभी बज रहे हैं करीबन 4 बज रहे हैं, और 4 बजे सिर्फ एक डबल रोटी खा के गया था, और अभी मैं आपको बता दूँ मैंने अब घर पे हूँ, तो फिर दोबारा से मैं एक ही डबल रोटी खाऊँगा, फिर शाम को ये रोटी खाएंगे 6-7 जो भी बजे का टाइम होगा। तो अभी मैं घर पे हूँ दोस्तों, और पेपर दे दिया मैंने, तो अभी चाय बन रही है गरम गरम, आपको दिखाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पे बन रही है चाय, चाय बन रही है, तो चाय का हम वेट करते हैं फिर खाएंगे चाय। मजा हमारी लाली देखे क्या कर रही है, लाली लाली क्या कर रही है, तू खेल रही है, अच्छा सब्जी बना रही है घास की, और ये कहाँ चांदी के बर्तन है, देखिए भाई देख यहाँ पे देखिए बर्तन कितने कितने, अब तू खेलेगी है? तू खेलेगी, वीडियो बना रहे है, क्या बना रही है, काय सब्जी बना रही है, सब्जी काय की बना रही है, हैं काय की, बैंगन, बैंगन की सब्जी बना रही है, मुकु दे देगी तो मुकु ना दे, हैं कौन को मुकु ना दे, चाय बनावेगी जब दे देगी, कछु ना दे, तो गुड़िया रानी कौन की है, मेरी ना है, कौन की है गुड़िया रानी, कौन की है लट्टू अपाय ना है, तो मेरी गुड़िया रानी ना है, नो कह रही है मेरी ना है गुड़िया रानी, तेरी ना हूँ। हेलो गाइस, भाई साहब अभी ना शाम हो चुकी है, माँ मतलब शाम होने की है, जो पीछे जो मेरा दिख रहा है ना भाई, तो आप पीछे का है ना, ये ज़्यादा कुछ वाइट नहीं लग रहा है, ज़्यादा वाइट लग रहा है, और अभी शाम हो चुकी है, तो अभी खाना भी बन रहा है, तो वहीं पे खाना भी खाऊंगा यार। सुबह से खाली सिर्फ एक डबल रोटी खाई है और एक आके खाई थी। आप सभी कैसे हैं, मैं बढ़िया हूँ भाई साहब, बादल देख लीजिए भाई साहब, बादल हो रहा है पूर्ण रूप से, बादल हो रहा है, पेड़ प्रदेश पेड़ पे इतने पक्षी हैं, इतने पक्षी हैं, आवाज़ आ रही है चिचिर चिचिर, सुबह सुबह आने लगती है 5 बजे, तो 4 बजे स्टार्ट हो जाती है पक्षियों की आवाज़, कब कब मोर बैठ जाता है तो मोर भी चीखने लगता है इस पर, और यहाँ पे हमारा घर नीचे है बिल्कुल, तो काफ़ी शोर सुनाई देता है, इनका आवाज़ साउंड सुनाई देता है। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ भाई साहब हमारे खेतों में, और देखिए यहाँ पे हो रही है तपन प्रक्रिया, तपन प्रक्रिया हो रही है, देखिए तो मैं ताप रहा हूँ भाई साहब, सर्दी लग रही है, जब बड़ी ज़बरदस्त सबरी सर्दी पड़ रही है, और अभी बताऊँ कितना टाइम हो गया, अभी टाइम हो गया करीबन भाई साहब 5:30, तो 5 बजे बिल्कुल हो चुका है अंधेरा, एक बार मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको बता दूं ये जो हिगाना जल रहा है ना, किसी टाइम पे भाई साहब इसी हिगाने पे वहाँ से 30-35 आदमी एक ही जगह पे बैठे रहते थे, लेकिन अब लोग वो में इतना खतरनाक वो चल रहा है मतभेद, में इतना खतरनाक मतभेद चला हुआ है कि मतलब हिगाना है ना, ये हिगानो 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 ये भी याद करता है कि वो दिन हमारे कब आएंगे जब हमारी बैलू हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में ये हिगाना है ना, ये परंपरा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जब भी शाम होती है लोग बाग अपने घरों में छिप जाते हैं, 5 बजे नहीं लोगों ने रजाई ओढ़ना स्टार्ट किया, नहीं भाई ये प्रैक्टिकल बात मैं खुद के ऊपर कह रहा हूँ, मैं किसी और के बात पे नहीं कह रहा, पहले हम भी साथ में बहुत तापा करते थे हिगाने पे, बहुत तापे करते थे, पूरी फैमिली तापती थी, लेकिन अब कोई भी बंदा हिगाने पे बैठना पसंद ही नहीं करता है, पहला रीजन एक तो ये जब से एंड्रॉयड मोबाइल चले हैं तब से, दूसरा रीजन कि पहले जो लोग बागों में प्यार था वो अब है ही नहीं, तीसरा रीजन बढ़ती प्रकृति मतलब जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है ना उसी प्रकार से वातावरण भी बदल रहा है, ये भी एक कारण हो सक वो है कारण ये भी है,
तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, जो बीते हुए दिन है वो वापस लेकर आओ यार, किसी ना कारण से यार बहुत अच्छा लगता है। देखिए हिगाना इंतजार कर रहा है आपका, कब आएंगे कब तापेंगे, लेकिन कोई भी नहीं तापता है।